आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। शिव की नगरी माना जाता है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले को। सिवनी शहर में महाकालेश्वर टेकरी पर स्थित ये महाकालेश्वर धाम, महाकालेश्वर मानसरोवर धाम, महाशिवरात्रि पर यहाँ चहल पहल देखते ही बन रही थी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। बच्चे, बूढ़े, जवान, बुजुर्ग, महिला, पुरुष सभी यहाँ पर श्रद्धा भाव से पहुँचे। और ये देखिए, देशी जो संगीत है, ग्रामीण संगीत है, वो भी आपको सुनाई दे रहा होगा। महाकालेश्वर धाम में भगवान शिव का पूजन अर्चन विशेष रूप से किया जाता है महाशिवरात्रि के पर्व पर। देखिए, यहाँ आपको शिवलिंग का पूजन यहाँ दिखाई दे रहा होगा। शिवलिंग के पूजन करते हुए श्रद्धालु स्पष्ट तौर पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। महाकालेश्वर धाम कटंगी नाके से आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बाईपास चौराहे से अगर आप नागपुर रोड की तरफ जाते हैं तो बाईं तरफ पर्वत दिखाई देता है, एक पहाड़ दिखाई देता है। उस पहाड़ के ऊपर महाकालेश्वर धाम है और इस पहाड़ को महाकालेश्वर टेकरी भी कहा जाता है। रख रखाव के अभाव में, देखरेख के अभाव में महाकालेश्वर टेकरी पूरी तरह अतिक्रमण के साए में पहुंच चुकी है। यहां पर जबरदस्त तरीके से अतिक्रमण हो चुका है। सांसद बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, सांसद बालाघाट के हैं भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, उन्हें परवाह नहीं है। विधायक सिवनी, जिला मुख्यालय सिवनी से का ये मामला है और सिवनी विधानसभा के विधायक भारतीय जनता पार्टी के दिनेश राय हैं, उन्हें भी संभवतः इस बात से बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है। रही बात कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जिला नगर इकाइयों की, उन्हें भी इससे बहुत ज़्यादा लेना देना प्रतीत नहीं हो रहा है। पिछले एक दशक में महाकालेश्वर टेकरी ऊपर का हिस्सा छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरा हिस्सा अतिक्रमण की चपेट में जा चुका है। इसे रोकने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। महाकालेश्वर टेकरी को संरक्षित करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। यहाँ स्काउट का भी काफ़ी गतिविधियाँ होती हैं और स्काउट का सेंटर भी यहाँ बनाया जा सकता है। बहुत ही रमणीय स्थान है, यहाँ पर शहदों की भरमार होती है। यहाँ आपको प्रेमी युगल, चूँकि सुनसान रहता है, प्रेमी युगल यहाँ आपको दिखाई दे सकते हैं। बहरहाल, अभी हम आपको बता रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में अशोक सोनी की रिपोर्ट है। महाकालेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के अवसर पर भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ का, भगवान शिव देवाधिदेव महादेव भगवान शिव का पूजन अर्चन, शिवलिंग का आप देखिए यहाँ पर अभिषेक लगातार जारी है और कितने सारे शिवलिंग आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। एक साथ बैठकर यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु अभिषेक कर सकते हैं। वास्तव में बहुत ही रमणीय स्थान इसे माना जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर इस महाकालेश्वर टेकरी को संरक्षित किया जाए, यहाँ चारों तरफ से अतिक्रमण हटाए जाएं एवं यहाँ पर तार की बाउंड्री वॉल बना दी जाए, इसको अगर बहुत करीने से संवारा जाए तो निश्चित तौर पर सिवनी का एक शहर के करीब एक पर्यटन स्थल विकसित हो सकता है। चूँकि प्रशासन, ऐसा माना जाता है कि प्रशासन सिर्फ आम जनता की बात पहले सुना करता था। 80-90 के दशक तक आम जनता क्या चाहती है इस बारे में प्रशासन को परवाह रहा करती थी। वर्तमान में आम जनता क्या चाह रही है इस बारे में शायद ही प्रशासन को इस बात से सरोकार हो। प्रशासन को इस मामले में ध्यान देना चाहिए और ये भी माना जाता है कि सांसद हों या विधायक, उनकी बात को ही प्रशासनिक अधिकारी तवज्जो देते हैं, पर सांसद और विधायक यहाँ उन्हें कोई इससे सरोकार नज़र नहीं आ रहा। विपक्ष में बैठी कांग्रेस को भी इससे कोई लेना देना नहीं है। अन्य दलों के नेता
राष्ट्रीय स्तर की चिंता करके दुबले हुए जा रहे हैं। कांग्रेस विपक्ष में बैठी कांग्रेस सहित जितने भी विपक्ष हैं उन्हें स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, स्थानीय तौर पर जो कर्म हो रहे हैं, क्रियाकलाप हैं, उनसे बहुत ज़्यादा सरोकार नज़र नहीं आता है। वे जब भी बात करते हैं, उनकी विज्ञप्तियाँ अगर आप देखें तो राष्ट्रीय स्तर की विज्ञप्तियाँ, राष्ट्रीय स्तर के अलावा प्रदेश स्तर की विज्ञप्तियाँ, स्थानीय स्तर पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं होता। यही कारण है कि सिवनी विकास से कोसों दूर है। सिवनी में अगर आप देखेंगे तो रेलवे का इतना घटिया काम हो, टीकमगढ़ जैसे छोटी जगह पर, टीकमगढ़ बहुत छोटी जगह है, खजुराहो के छतरपुर के पास है और छतरपुर और पन्ना के बीच में खजुराहो, खजुराहो से नई दिल्ली के लिए एक वंदे भारत एक्सप्रेस की घोषणा की गई है। सिवनी में जो रेलगाड़ियां चला करती थी, नैरो गेज पे जो रेलगाड़ियां चला करती थी, वे रेलगाड़ियां ही बहाल अब तक नहीं हो पाई हैं। ये हमारा सिवनी का दुर्भाग्य है। सिवनी का नेतृत्व जो भी केंद्र में कर रहे हैं, इसके अलावा सिवनी का ट्रामा सेंटर नहीं बन पाया, सिवनी की मॉडल रोड आज तक नहीं बन पाई है। 2011 में बनना आरंभ हुई थी। सिवनी की जलावर्धन योजना आधी अधूरी पड़ी हुई है, पर इस सबसे किसी को कोई सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देखिए कितना सुंदर यहाँ पर स्थानीय स्तर पर ये गीत का आप संगीत का आनंद उठाइए। स्थानीय वाद्य यंत्रों के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर गाजे बाजे के साथ ये आपको सुनाई दे रहा हो। ऐसी चीजें अब धीरे धीरे विलुप्त होती ही प्रतीत हो रही है। हम आपको बता रहे थे कि सिवनी में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नगर के अंदर नगर पालिका परिषद के द्वारा ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए थे, मॉडल रोड यहाँ पर स्थापित बनाई गई थी, उसके अलावा जलावर्धन योजना। कांग्रेस जब तक विपक्ष में रही खूब हो हल्ला हुआ, पर अब कांग्रेस सत्ता में है, नगर पालिका परिषद में जांच के नाम पर कुछ भी नहीं, अभी तक कोई जांच नहीं हो पाई है। ऐसा लोगों का कहना है, लोगों का आरोप है कि नूरा कुश्ती पूरी तरह नगर पालिका परिषद में चलती है। महाकालेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के पर्व पर देखिए पूजन अर्चन यहाँ पर श्रद्धालुओं के द्वारा किया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। ये मेला भी यहाँ पर आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा, मेले में श्रद्धालु आ रहे हैं महाकालेश्वर धाम, महाकालेश्वर पहाड़ी के ऊपर। और जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अतिक्रमण आरम्भ हो जाता है, जिसे रोकने की ज़रूरत है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये सारी खबरें कैसी लग रही हैं। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।